जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज जगत में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आदिवासी से जुड़े हर छोटे छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जिसको जानने के बाद शायद आपको इतनी खुशी हो कि आप अपनी खुशी से समा न सके। यानी कि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सरना धर्म कोड के लागू होने की तारीख के बारे में। यानी कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों से झारखंड और झारखंड के अलावा कई राज्यों में जहाँ पर सरना धर्म कोड को मानने वाले आदिवासी लगातार सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कई बड़ी बड़ी रैलियां और कई बड़े बड़े आंदोलन वगैरह और मोर्चा वगैरह किए, जिसके बाद अब यह देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य के हेमंत सरकार, श्री हेमंत सोरेन जी ने सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार तक पहुंचाया और वो अब लागू होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सरना धर्म कोड की लागू होने की तिथि और उसके पीछे का पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, क्योंकि मैं आदिवासी से जुड़े इसी तरह के वीडियो हमेशा इस चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सरना धर्म कोड है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत कई धर्मों का देश है, यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का अपना अपना धर्म कोड है। और वह धर्म कोड काम वहाँ आता है जब आप कोई सरकारी नौकरी या फिर किसी स्कूल कॉलेज में या फिर दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ जनगणना, इन सभी चीज़ों में आपको धर्म कोड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बाकी सारे धर्मों को तो धर्म कोड मिल चुका है, लेकिन आदिवासी समाज को आज तक अपना धर्म कोड नहीं मिला था। तो दोस्तों, इसी के कारण क्या हुआ कि आज़ादी के बाद से आदिवासी समाज के सरना धर्म के लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि सरना धर्म कोड को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो दोस्तों, अब यह हुआ है कि 2021 की जनगणना आने वाली है, कुछ ही महीने बाकी है और 2021 आ जाएगी, उसके बाद जनगणना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए आदिवासी समाज के सरना धर्म के लोगों ने यह डिमांड लॉकडाउन से कुछ दिनों पहले से थोड़ा ज़्यादा जोर दिया, थोड़ा ज़्यादा रैलियाँ करने लगी। जैसे दोस्तों, मैंने पिछले कई सारे वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था और कई मैंने फुटेज भी शेयर किया है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया कि झारखंड के राजधानी रांची में कई बड़ी बड़ी रैलियां, जन मोर्चा और यहां तक कि मानव श्रृंखला की गई ताकि सरना धर्म कोड की डिमांड को ज़्यादा जोर मिले और इस पर जल्दी जल्दी लागू हो। तो दोस्तों, फाइनली यह है कि सरना धर्म कोड की जो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड, इतनी बड़ी रैलियां वगैरह की जा रही थी आदिवासी समाज की ओर से, तो उनका मेहनत का फल अब मिलने वाला है। यानी कि हेमंत सोरेन तक यह बात पहुँच चुकी है और उन्होंने इसे अपने राज्य सरकार से पारित कर अब उसे केंद्र सरकार में पारित कर चुके हैं। और दोस्तों, यह खबर आ रही है कि सरना धर्म कोड यही हाल फिलहाल के एक दो दिनों में, यानी कि शायद 15 नवंबर को झारखंड दिवस है तो उस दिन शायद लागू हो सके या फिर उसके कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि सरना धर्म कोड को वो जल्दी से जल्दी आदिवासियों को एक तोहफे के रूप में देने वाले हैं, वो भी झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों, अब देखना है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर को हुआ था, यानी कि दोस्तों इसी दिन हमारे धरती आबा यानी कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इसी दिन को झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हेमंत सोरेन कितने अपने बात पर खरा उतरते हैं, कितना वो आदिवासी समाज को और सरना धर्म को मानने वाले लोगों को कितना वो खुश कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब तो ये देखने वाली बात है। और दोस्तों, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको यह बड़ी खबर सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है और दोस्तों, आप इस पर क्या सुझाव देना चाहते हैं कि क्या सरना धर्म कोड लागू होगा तो आदिवासियों को लाभ होगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि कई सारे आदिवासी अन्य जातियों के लोग हैं जिनका कहना है कि वे सरना धर्म कोड की मांग के अलावा वे चाहते हैं कि उसकी जगह आदिवासी धर्म कोड को लागू किया जाए ताकि वो पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों को मदद हो। तो दोस्तों, इसको लेकर कई सारे रुकावट चल रही थी कि सरना धर्म कोड को वे लागू होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों फाइनली ये है कि हेमंत सोरेन जी ने उसे अब केंद्र सरकार तक संसद में उसे पेश कर दिया। जैसा कि दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप शेयर किया था और उसमें मैंने आपको दिखाया कि वे किस तरह से संसद में सरना धर्म कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो दोस्तों, इतनी बड़ी खबर के लिए एक लाइक तो बनती है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के आदिवासी से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा इस चैनल पर मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक और न्यूज़ देना चाहता हूं कि जल्द ही
हमारी 100वीं वीडियो आने वाली, यानी कि 100 वीडियो होने वाली है इसके बाद वाली वीडियो, और उस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा तोहफा। यानी कि दोस्तों आपने मुझ इस चैनल पर इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया कि यह चैनल आज 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाली, यानी कि इतनी बड़ी चैनल होने वाली जो एक आदिवासी न्यूज़ से रिलेटेड है। इस तरह के यूट्यूब में चैनल कोई नहीं है दोस्तों, तो इस चैनल को आपने इतना शेयर दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि आज यह चैनल 10,000 सब्सक्राइबर के साथ बड़ा होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप लोगों ने आज तक इतना प्यार दिया, तो कुछ प्यार आप लोगों को भी देना जरूरी है। तो दोस्तों इसी को देखकर मैं 100वीं वीडियो यानी कि इसके बाद वाली वीडियो जो है उस पर मैं आप लोगों को कुछ देने वाला हूँ। तो ये तो दोस्तों सरप्राइज है, तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और दोस्तों उससे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि उस वीडियो 100वीं वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।